वेलकम टू डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में अपने बेसिक चीजें जान ली और उसके बाद अपनी दो प्रॉपर्टी हो गई थी, एक तो क्लोजर और एक कौन सी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की दो आपको सॉल्व करने दिए थे, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। अब बात करते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो इंटीजर्स के अंदर काम आती है वो होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी जिसको क्या कहेंगे, सहचर्यता। सहचर्यता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देखो आपको बात करनी है अपने नंबर ग्रुप किसकी, इंटीजर। इंटीजर मतलब आई या फिर जेड से जिसको डिनोट करते हैं, उसमें से कोई भी तीन नंबर आपको लेने, कोई भी क्या लेने हैं, तीन नंबर लेने। मैंने मान लो तीन नंबर ले लिए, ए बी और सी, कुछ भी हो सकता है। ए बी सी के वैल्यू 1 2 3 2 4 5 6 7 8, कुछ भी तीन नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना ऑपरेशन ले रहा हूँ स्टार। स्टार का मतलब मैंने बताया था क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन आपको चूज कर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि आपके पास तीन नंबर है ए बी और सी, आप ऑपरेशन करो पहले इन दोनों में, फिर जो आंसर है उसका ऑपरेशन करो अपने तीसरे नंबर के साथ। वो इक्वल आना चाहिए, कब है, जब आप इन दोनों के साथ किया था पहले, अब इन दोनों के साथ करो ए स्टार है बी, वो आंसर किसके साथ ऑपरेट करना है आपको सी के साथ। अगर ये स्टेटमेंट प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट अगर फॉलो हो रहा है तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी वहां पे क्या हो रही है, फॉलो। तो अपन बारी बारी से चारों ऑपरेशन का देख लेंगे। पहले मैं बात करूँ किसकी, अगर ऐड की बात करूँ तो ऐड के लिए स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस में सी। यानी आपने स्टार की जगह अपना ऑपरेशन चूज कर लिया, कोई भी नई चीज अपने दे। अब मैं ए बी सी चूज करूँ, कोई भी तीन नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 2 4 और 8, तीन नंबर ले लिए, तीनों किसके एलिमेंट है, आई या फिर जेड, क्योंकि तीनों इंटीजर है ना। और इसका मतलब मैंने बताया था एलिमेंट ऑफ, हिस्सा होना, का अवयव होना, भाग होना, ये तीनों किसके भाग है, इंटीजर्स के भाग। अब ये वैल्यू इसके अंदर रख दो 2 4 8, पहले मैं इन दोनों को ऐड करूँ और जो आंसर आएगा उस पर 2 ऐड करूंगा। और आगे ये प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, ये कहती है कि पहले आप अपने पहले 2 को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड करो। ये कितने हो गए, 2 प्लस 8 4 कितने होते हैं 12, ये 6 प्लस 8 ये भी कितने हैं 14, और ये भी कितने हैं 14। दोनों साइड इक्वल आ रही है, LHS is equal to RHS, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी के लिए एसोसिएटिव होते हैं। हो गया स्टेटमेंट अपना। अब यही प्रॉपर्टी अपन ने ऐड के लिए देखी, अब बात करते हैं इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी का क्या फॉर्म बन जाएगा, जहां ऐड था वहां मैं क्या लगा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन लगा दूंगा। ये मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो अब क्या होगा, अब अपने कोई भी तीन नंबर चूज कर लो अपनी मर्जी। जैसे मैंने छोटे छोटे तीन नंबर लिए 2 3 और 8, तीनों के तीनों किसके एलिमेंट है, इंटीजर्स के, आई या फिर जेड से डिनोट कर सकते हो। अब ये वैल्यू इसमें रख के देखो, ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह 3 रख दिया, सी की जगह 4 रख दिया। अब अपन इसको क्या करते हैं, अब पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, 2 माइनस, अब बताओ 3 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 में से 4 गया कितना बचेगा 1, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है, हमने ये लिख दिया माइनस। अब 2 में से 3 गया तो भी कितना बचा, माइनस 1, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस में 4। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में सीखा था माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और ये देखो माइनस का ही 1 और माइनस का ही 4 कितने आ गए, माइनस 5, इस तरफ आ गया 3, इस तरफ आ गया माइनस 5। अब बताओ 3 और माइनस 5 इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते, 3 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखो इक्वल नहीं आ रहे, अब आप क्या लिख दोगे, सिंपल सा स्टेटमेंट क्या, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन मतलब वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं। अब अपने तीसरा ऑपरेशन ले लो, ऐड सब्ट्रैक्शन के बाद तीसरा बेसिक सा ऑपरेशन क्या आता है, तीसरा आता है मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन की भी बात कर लो, मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, अब जहां स्टार था वहां पे मैं किसका साइन यूज कर दूंगा, मल्टीप्लाई का, कर दो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, पहले इन दोनों का
फिर ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। अब भाई बात कोई तीन नंबर ले लो, मैंने ले लिए 1, 2 और 3, तीनों के तीनों किसके एलिमेंट है, इंटीजर्स आई या फिर जेड कह सकते हो। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3 हो गई बात। अब बताओ 1 × 3 = 2 कितने होते हैं 6, ये कितने हो गए 2 × 2 = 6, ये भी कितने हैं 6 और ये भी कितने आ रहे हैं 6। अब बताओ पहले से सारे टेस्ट बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब आप सिंपल सा स्टेटमेंट लिख दो अपना, क्या इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर ए मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर ए मल्टीप्लिकेशन, तीन ऑपरेशन हो गए। उसके बाद देखो चौथा और लास्ट ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कौन सा रह गया, अब अपना रह गया चौथा डिवाइड, अपन बात कर लेते हैं डिवाइड। अब जहां आपके इस ऑपरेशन का साइन था मतलब स्टार लगा हुआ वहां पे क्या यूज करोगे, वहां पे डिवाइड का साइन, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, पहले इन दो का और उसके बाद ए डिवाइडेड बाय बी और फिर इन दो का, हो गया। अब आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यू चूज करनी है। मैंने तीन वैल्यू ले ली, कौन सी 1, 2 और 3 ले ली, ले ली। अब देखो ये तीनों की तुम्हें मैंने क्या मान लिए, इंटीजर्स के पार्ट मानना क्या होते ही है। अब वैल्यू रख दो इसकी, 1 / 2 / 3 equals to 1 / 2 और divided by 3। अब बताओ 1 / अब ये कितना हो गया, पूरा पूरा जाता नहीं तो सीधा लिखो 2/3, अब इसके भी नहीं जाता तो यहाँ क्या लिखूंगा 1/2 / 3। अब हमें सीखा है कि अगर मैं डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूँ आगे वाला नंबर उल्टा हो जाता है 3/2। अब यही चीज यहाँ अप्लाई कर दो, अपॉन में 1 किसी के होता है, अब अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो आगे वाला नंबर का रेशियो ये कितने हो गए 3/2, ये कितने हो गए 1/6, क्या ये दोनों इक्वल है, किसी कंडीशन में इक्वल नहीं होंगे, 3/2 इज नॉट इक्वल टू 1/6। अब LHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू RHS, तो क्या लिखोगे, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, वो डिवाइड के लिए क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, ये एक प्रॉपर्टी होगी सिंपल सी कौन सी आपकी एसोसिएटिव। अब देखो अगली चौथी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में वितरण नियम कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम जिसको कहा। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या काम आती है, अगली बात आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण नियम जिसको कहा जाता है। अब इसके दो सिंपल से आपको स्टेटमेंट क्या लेने हैं, काम में लेने, क्या होगा, तीन नंबर दिए थे वही एबीसी लिए। अब देखो A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस A मल्टीप्लाइड बाय C, अब देखो जो बॉक्स में था उनके सबके ऊपर इक्वल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, A इसको भी दे दिया, A इसको भी दे दिया। अब यहाँ प्लस की जगह क्या साइन आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाइड B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय C, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये दो प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप में फैक्ट है, कोई भी नंबर ले लो 1, 4, 5 तीन नंबर ले लिए, तीनों के तीनों क्या इंटीजर्स है। अब ये तीनों नंबर दोनों प्रॉपर्टी में रखते देखो क्या सही आता है या गलत। पहले मैं इस प्रॉपर्टी का LHS सॉल्व करता हूं, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के जो लेफ्ट तरफ रह जाता है ना वो उसका LHS होता है, राइट तरफ रह जाता है वो RHS। ए की जगह मैंने रख दिया 1 मल्टीप्लाइड बाय बी की जगह 4 और सी की जगह 5, कितना आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 5 9, आंसर आ गया 9। आ गया, अब मैं RHS सॉल्व करके देखता हूं, RHS ये वाला है A multiplied by B मतलब A multiplied by 4 plus A multiplied by C यानी 1 का multiplication करना है 5 से, ये कितने हो गए 5, ये कितने हो गए 5, 4 और 5 है, LHS और RHS equal है मतलब ये property क्या है 2। तो आपकी ये distributive property आपके calculation में काफी क्या आती है, काम आती है। आप कोई चीज अगर ऐसे लिखिए तो उसको ऐसे लिख सकते हो, इस हिसाब से अगर लिखिए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका कौन सा लो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण है। अब दो छोटी छोटी चीजें आपसी और रहेंगी जिनको बोलते हैं इनवर्स और आइडेंटिटी। पहली चीज है आइडेंटिटी यानी पथ समकता, अपन ने सिक्स्थ में पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं फटाफट। आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि आप किसी भी नंबर के साथ मैंने ये कोई नंबर मान लिया उसके साथ आप कोई ऑपरेशन करो, अब ऑपरेशन स्टार कहाँ बिलोंग करता है, एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन करो उस नंबर के साथ और वापिस अगर वही नंबर आ जाए तो ये जो नंबर है ना ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा।
यानी एक ऐसा नंबर जो आप ऑपरेट करो और वापस उस नंबर में कोई चेंज ना हो, वापिस वो का वो आ जाए। यहाँ पे जो चीज रखोगे, जो वैल्यू रखोगे ना, वो क्या कराएगी? आइडेंटिटी। अब मैं पहले ऐड की बात कर लेता हूँ, तो बताओ मैं नंबर मान लिया मैंने 6, तो 6 में क्या ऐड करूंगी वापिस 6 आ जाए। ये सिंपल सी चीज है, जीरो। अब अगर ये चीज अगर ऐसे पॉसिबल ना, तो उसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए। मतलब जीरो में 6 ऐड करोगे तो भी वही चीज आनी चाहिए जो पहले आई। दोनों बार इक्वल आ रहा है, तो मतलब आपकी जीरो क्या कहलाती है? जीरो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये कभी भी ऐड कर दो इसका किसी के साथ भी, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होने देगी, वापस कॉपी को वैल्यू ला देगी। दूसरा ऑपरेशन है माइनस का, सबट्रैक्शन का। अब बताओ 6 पे क्या सबट्रैक्ट करूंगी? वापस 6 का। दूसरा आसान है तो जीरो, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो मतलब उसका रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए। जीरो में से 6 सबट्रैक्ट करो कितना आता है? माइनस 6। दोनों चीजें इक्वल है क्या? दोनों आंसर इक्वल है क्या? नहीं है, तो मतलब आपके सबट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। तीसरा मल्टीप्लाई, मैं 6 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगी? वापस 6 आ जाए। आसान है सर, 1 उल्टा करके मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। वापस सेम आ रहा है, तो मतलब ये 1 अब आपका क्या कराएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कराएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणात्मक तत्समकता, गुणात्मक है तत्समकता। हो गई बात है? अब लास्ट ऑपरेशन डिवाइड का, आप 6 के ऊपर किसका डिवाइड करोगे कि वापस वही नंबर आ जाए? दूसरा आसान है, 1 का कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका रेसिप्रोकल सॉरी कम्यूटेटिव भी पॉसिबल होना चाहिए। 1 पे 6 का डिवाइड करोगे तो 1/6 आ रहेगा। दोनों चीजें इक्वल है क्या? नहीं है, मतलब आपके डिवीजन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। एड और मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी होती है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लोग फॉलो कर रहे थे, और इन दोनों की नहीं होती क्योंकि ये कम्यूटेटिव लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद देखो आइडेंटिटी के बाद आता है इनवर्स प्रतिलोम, जिसको कहते हैं इनवर्स या फिर प्रतिलोम। तो अपन बात करते हैं अब इनवर्स प्रतिलोम। अब ये सिंपल सी चीज है, अब इनवर्स उन्हीं का होगा जिनकी आइडेंटिटी होगी। एक स्टेटमेंट याद रखो, इनवर्स उन्हीं का होगा जिनकी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। क्योंकि इनवर्स के अंदर क्या होता है? इनवर्स के अंदर सीधी सी बात है, आप अपने नंबर को किसी ऐसे के साथ ऑपरेट करो कि आके आपकी क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। अब जिनकी आइडेंटिटी नहीं है उनका आएगा क्या? मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्शन और डिवाइड की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, फिर का इनवर्स भी नहीं होगा। अपने पास अब ऑपरेशन दो ही बचते, कौन से? ऐड और मल्टीप्लाई। तो बताओ, जैसे मैंने ले लिया नंबर 5, तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि ऐड की आइडेंटिटी कितनी होती है? 0, 0 आ गया। आसान है, माइनस है 5। बिल्कुल ऐसे 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरी आइडेंटिटी आ जाए, और मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी कितनी होती है? 1 आ जाए। तो इसका रेसिप्रोकल, अगर एड का इनवर्स निकालना हो तो उस नंबर का नेगेटिव बना दो, और अगर मल्टीप्लाई का इनवर्स निकालना हो तो उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, उसको उल्टा कर दो। तो ये अपन ने 4 बेसिक चीजें देख ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स। हैव ए नाइस डे।